कुछ नहीं, वो तो बस अपना उनको मानकर, और विशुद्ध अनुराग, विशुद्ध वात्सल्य, विशुद्ध सख्य और विशुद्ध माधुर्य में ओतप्रोत होकर वे नंदन की सेवा में लगे रहते। उन सब का उद्देश्य एक ही है, नंदन को सुखी देखना। यही उनका सुख है, यही उनका जीवन है। उनका खेलना, खाना, सोना, उठना, जागना, व्यवहार करना, ये सारा का सारा श्याम सुंदर नंदन के सुख के लिए। इसीलिए सुख स्वरूप भगवान, सुख है आतंतिक सुख है, जिनका स्वरूप है, जिनसे सारे सुख की धाराएं निकलती हैं, वे आनंद मैं भगवान या आनंद कंद बनकर, मने ऊख में से, ऊख में रस भरा है वो निकल कर मिश्री में आ जाए, कंद बन जाए तो बड़ा मधुर होता है। आनंद में भगवान तो है ही, ऊख तो फिर रस से खाली हो जाती है, ये खाली नहीं होते, आनंद में होते हुए यहाँ आनंद कंद बनकर और अपना रसा स्वादन करवाते हैं ये तमाम इन गोप रमणियों को, गोप बालकों को, माता पिताओं को। पिताओं और माताओं इसलिए कि ये जितनी बूढ़ी बड़ी गोपी सारी माँ, और जितने बड़े बूढ़े गोपी सारे बाप, नंदन सबके बेटा। तो इस प्रकार से ये केवल विशुद्ध अनुराग में बहता हुआ ये ब्रजमंडल भगवान के लीला सुख को प्राप्त करता है। दूसरे लोग पहले आ चुका कि ब्रह्मा जी को सौभाग्य नहीं हुआ, लक्ष्मी जी जो भगवान के नित्य वक्षस्थल पर विहार करती हैं, उनको ये सौभाग्य नहीं मिला। शंकर जो भगवान के अभिन्न रूप है, उनको ये सौभाग्य नहीं मिला। और भगवान ने कहा एक जगह कि भाई हमारी आत्मा भी, जो हमारी चिन्मयी आत्मा, हमारा स्वरूप है, वो भी तुम्हारे इस आनंद के बिना आनंद शून्य सा रहेगा। आत्मा दुराधिका, ये आया है कि भगवान की आत्मा क्या है, राधा, और राधा रमण है, इसलिए इनका नाम आत्मा राम है, स्कंद पुराण में आया है। इस प्रकार ये निर्मल विशुद्ध अनुराग, जिसमें कहीं कामना का लेश नहीं, न ये लौकिक कामना, न पारलौकिक कामना, न मोक्ष कामना, न स्वसुख की किसी प्रकार की इच्छा। इस प्रकार विशुद्ध अनुराग में भरे नंद बाबा टीले पर खड़े हुए श्री श्याम सुंदर की लीलाओं को देख देख कर आनंद सागर में डूब रहे हैं। अब धीरे धीरे सब गायें पार उतनी, इसके बाद बछड़े उतरे, फिर बड़े बड़े बैरों के दल उतरे। अब वो सब उतर करके उस यमुना मैया के, कालिंदी के, कपूर के समान सुंदर, वो धूल भी आज वहां का एक एक रज कण बंद हो गया महाराज। इस रज कण की इच्छा ब्रह्मा ने की कि ये रज कण कहीं मिल जाए, एक एक रज, और आज तक धन्य हो रहा है। तो इस कालिंदी यमुना मैया के तट की वो जो कर्पूरमयी धूली, कर्पूरवत धूली स्वच्छ, उस पर ये तमाम जा करके बैल और गायें सबको ठीक व्यवस्थित रूप से गोपालों ने खड़ा कर दिया, श्रेणीबद्ध होकर के खड़े हो गए, मानो ये तैरने से थक कर विश्राम कर रहे हैं। इधर नौकाएं एकत्र हुई, गायें तो पार हो चुकी, पर अब इन छकरों को उतारना है। छकरे हल्के तो हो गए, सब चेतन रहे ना, ये छकरे वगैरह सब जो हैं, ये सारे सुर हैं, देवता हैं, इनके अधिष्ठात्री देवता सारे के सारे आज यहाँ पर स्वयं आ गए हैं, हल्के हो गए। पर पार उतारना है तो हजारों हजारों नावें लग गई, उन नावों से आज पुल बनेगी, यहाँ पर नावों की पुल बनाई गई, और उनको काश कुश इत्यादि लाला करके उनको बांध दिया गया खूब मजे में। और वो सबके सब बड़े चतुर दक्ष रहे, सब कलाविद लोग, चित्र रचना में बड़े भारी सब कुशल कारीगर सब जुट पड़े, और तमाम नाए वहां पर नावों को खड़ा कर दिया लाइन लगा लगा करके, और सरकंडे और बांस और कुश और काश ले ले करके, और सबको बांधते चले जा रहे। देखते देखते एक सुंदर पुल बन गया, इतना मजबूत बना, मजबूती तो सारी जो मजबूती के देवता भी उसमें आगे बैठ गए। तो मानो ऐसा मालूम हुआ कि बड़ी भारी सड़क बन गई है। काश कुश सर वंश बड़े रलंकर्मीण निर्मित परस्पर मध्य प्लव राजी राज पद्धति रिवा संवादतया साधिका। अब बोले पुल बन गया, बोले उतरो। उपनंद बाबा ने दूर से खड़े आगे आगे बड़े ऊंचे मंच पर इनका जो शकट था
उस पर एक मंच बना हुआ बड़ा ऊंचा, उस मंच पर बड़ा सिंहासन रहा, उस सिंहासन पर उपनंद बाबा बैठे, ये संचालन सबके सरदार नेता, ये हुक्म देते अब चलो, झंडी वंडी अपने कपड़े फैला देते, चलो अब चलो आगे। तो जब हुक्म हुआ तो बस तमाम उस पुल पर धड़ 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 करती हुई सारी छतरों की लाइनें चल पड़ी। अब बड़ी सुंदरियों का गान आरंभ हो गया था, आनंदमय गान, ब्रज देवियां फिर गाने लगी। अब तो सड़क पर आ गया ना, अरे नदी थी तो क्या हुआ, सड़क बन गई, सड़क पर गाड़ी चल रही है, दल के दल गोप युवक सब तरुण तरुण ये सब नाचते कूदते खेलते हुए जा रहे हैं, वहां पर कोलाहल मच रहा है। अब जब छकड़ा पहुंचा बीच में पहुंचा तो कन्हैया को जमुना जी आ जा गई, बोले जमुना ने इतनी सेवा की है तो इसको फल देना है ना अभी आज। तो जमुना जी पर जब ये चढ़े थे छकड़े में ही, तो ये धूल वूल, और दिन तो मैया पहुंच दिया करती थी, धो दिया करती थी, आज मैया भूल गई तो पैरों में रज लगी हुई थी, इनको तो रज लिए चलना था आज, तो रज को संभाले बैठे थे अब तक। अब बोले मैया मेरे तो पैर में खा जा रही है, पैर खुजला रहा मेरा, तेरे धोया नहीं आज। अब वो जल कहाँ, जल तो छकड़े में रखा नहीं था, और दिन तो रखती है, तो मैया ने रखा नहीं था जल। बोले मैया मैं तो पैर धोऊंगा, मेरे तो खा जा रही है। अरे बोले लाला अभी पार उतर जाते हैं तब धोले। बोले ना ना मैया मैं तो अभी धोऊंगा, खड़ा कर छकड़ा अभी यहीं पर। तो जमुना जी के बस थोड़ा सा जल था, वहां छकड़ा खड़ा हो गया। जमुना जी बड़ी प्रतीक्षा में थी कि पार उतर ही रहे हैं, कहीं मैं बहुत बढ़ जाऊं तो तमाम ये छकड़े वाले डर जाएं कि कहीं जमुना में बाढ़ आ गई, पुल में बह जाए। तो किनारे से जब आए तब जमुना जी प्रतीक्षा में कि श्याम सुंदर प्रार्थना की थी ना मैंने कि आज चरणों का स्पर्श मिल जाए, चरण धूलि मिल जाए, क्या मैं वंचित रह जाऊंगी। जमुना जी मानो रोने लगी, उदास हो गई, इनका पैर धोना है, छगड़ा रुखा, पुकारा बोले जल्दी से जमुना जी का पानी लाओ। अब जमुना जी हर्षित हो गई, बोले ये तो खड़े हो गए। तो जो वो गाड़ीवान उतरा, उतर करके उस गोप ने लोटा डाला, जमुना जी ऊपर आ गई, कन्हैया कूद पड़े, क्या करता क्या करता, मैया ने कहा क्या करता पहला, अरे बोले मैया यही धो लूंगा ना मैं, क्या होता है। यमुना जी थोड़ी सी ऊपर आ गई, आ करके यमुना जी बोले जरा सा पैर नीचे कर लू, एक देख मैं, अरे बोल पकड़ पकड़ गिर जाएगा। तो मैया भी कूदी, मैया ने कमर पकड़ी, हाँ ये अपना चट से पैर नीचे कर लिया, उनके नीचे पैर कर लिया, नाव के नीचे। यमुना जी ने आकर के पैर धो लिया, यमुना जी कृतार्थ हो गई पैर धो करके। इसके बाद अब बोले अब चलो, फिर सवार हो गए, बोले अब चलो। तो राम श्याम दोनों तो फिर अंक में धारण किया, गोद में लिया मैयाओं ने, रोहिणी और यशोदा मैया ने, और अपने विशाल उस रथ पर फिर वे आरूढ़ हो गई और इस पार पहुंचे। बस अब पार पहुंचने भर की देर थी, अब इनके धीरज कहां, बोले मैया कहा था ना कि तुमने वहां खेलने की बहुत जगह है, अब तो पार उतर ही गए। मैया ने कहा ठहर जा ठहर, भाई नहीं मैया अब नहीं ठहरना है, अब असंभव हो गया उनको ठहराना। मैया की सारी सावधानी और सजगता और शक्ति सब की सब कुंठित हो गई, जैसे कोई बिजली चमकती है, इसी प्रकार दोनों कूद पड़े। नहीं दोनों कूद पड़े, अरे बोली की बोले मैया सुदाम बाबा सुबल साहब सब चले आओ, सब चले आओ। बाबू ने कहा धीरे बोल बाबा सुन लेगा, अब धीरे बोला किससे जाए, कल धीरे बोलना होश तो नहीं, धीरे क्या होता और जोर क्या होता इनको पता हो, कभी कभी सहने बन जाते हैं। अब ये तमाम जितने गोप बालक थे उनके भी मन में जल्दी लग रही थी, कैसे जल्दी मिले जाकर के, वो तो जाके मैया की गोद में बैठ गए। तो तमाम इकट्ठे हो गए, बोले देख कन्हैया तू तो माँ की गोद में जा बैठा, हम लोग उनको छोड़ दिया अलग। अरे वो इसी से तो कूदा, रास्ते में कई बार कूदा मैं तुम लोगों के लिए ही, तुम लोग दिखे नहीं तो मैं क्या करता, मैं तो कूदती चला आया हूँ रास्ते में, नमान तो मैया से पूछ कई बार रखता मैं और कई बार मैं कूदा, अब तुम लोग नहीं आए, मैं तो अब तो बोले मुझसे रहा नहीं गया, तब मैंने तुम लोगों को पुकार दिया, भैया तुम लोग आ थे, तुम लोग आए क्यों नहीं। तो ये सब प्रतीक्षा में सब के सब इकट्ठे हो गए। अब वो इन लोगों का बड़ा सुंदर भाव, इन लोगों को दोनों भाव थे, दूर भी मानते थे और इनका जो भाव राज्य था उसमें पास पास चल रहे थे, चलने में दूर नहीं थे। तो फिर अब जब पुकार लिया तब आने में कौन देर, तमाम गोप शिशु तमाम बालक वहां पर इकट्ठे हुए, चारों ओर से
कन्हैया को घेर लिया। बोले भैया देखो, मैया ने कहा है कि यहाँ बड़ी शोभा है और यहाँ खेलने की बहुत जगह है, अब आज से ही अपने खेलने का काम शुरू करो। खेलने की योजना बनने लगी। घर भर की बात तो मैया सोचे, खाने पीने की बात मैया सोचे, यहाँ तो शोभा देखना और बन बन में घूमना और खेलना, इस प्रकार से ये तमाम बातें सोचने लगे। अब वृंदावन की शोभा को देखते हुए कि आगे बढ़ने लगे, गोप शिशु भी कुछ आगे कुछ पीछे, कन्हैया के साथ साथ अपना नाचते कूदते हुए अब वृंदावन में तो परम शोभा आ गई। जितनी शोभा श्री कल्पना में आती है उससे भी परे की चीज आज मूर्तिमती होकर ये वृंदावन में आ गई। प्रतिक्षण यहाँ नवनवायमान शोभा होने लगी। जिधर देखो उधर ही मानो सुषमा बिखर रही है, जिधर देखो उधर ही सौंदर्य माधुर्य शोभा मनो सब जगह फैल गई। ये कभी बाइयों, अरे बोले भैया देखो इधर तो कैसा अच्छा गाछ है, सुबनाए उधर क्या ये देख रहे हैं, इधर देखो कैसा बढ़िया है। यो परस्पर कभी दाईं ओर कभी बाईं ओर देखते हुए और ये गाड़े अपने जा रहे हैं, तो बोले अपने घूमना शुरू करो, खेलने की जगह देने कभी उस बन कभी उसमें। राम कृष्ण चो बद्ध कृष्णा आसावित तीरू उपकंठा उत्कंठया भूमि शकरादित कृत संकृत आह्वानत सुख समित सखी नन्विधाय प्रत्यग्रमपि प्रत्यग्राय मानस वैचित्री गहनम गहनम अवगाह मानव सव्याप सव्ययो पश्यंतौ चरण चारिता मेवा चरितवंतौ। घूमने लगे घूमने लगे तमाम। अब यहाँ पर अब ये जितने भी प्रकृति के पदार्थ हैं और प्रकृति की जितनी भी सामग्री है, उन सारी सामग्री ने आज ये देखा कि आज धन्य होना। तो प्रकृति में जितनी भी सजावट की चीज वो सारी की सारी आज यहाँ पर आकर के इकट्ठी हो गई। ये कभी बिचारे कल्पना करते हुए जाते हैं, कभी लोग जो हैं ये कल्पना करते हैं पर इनका वो कल्पना राज्य कल्पना जी रह जाता है, वो ठीक ठीक कहीं उदय नहीं होता। पर आज कवियों की भी सारी कल्पनाएं सत्य हो गई, कभी कल्पना याद सारी सत्य हो गई। ये लता स्पंदन अंकुर गंग विवेक काखड़ी ये सब के सब अब इनको देख के कभी कभी रोमांच हो आया, ये नाचने लगी लताएं नाचने लगी और ये गान करने लगी। ये कवियों की भाषा में ये कल्पना आबद्ध रहती है, तो यहाँ सचमुच आज ऐसा हो गया। लताएं नाचने लगी, वृक्ष गाने लगे और अमृत झरने लगा तमाम वृक्षों से, बड़ी भारी सुंदर यहाँ की स्थिति हो गई। भगवान का सानिध्य पाकर आज सब के सब ये मूर्तिमान हो गए और भूमि देवी ये तो चरण स्पर्श को पाकर रोमांचित हो गए, एकदम हो गया इन अंकुरों का। और बड़े बोले ये श्याम सुंदर घूम रहे हैं ना, कहीं कोई कोई अंकुर गढ़ न जाए ऐसा, तो बड़ी कोमल कोमल प्रणावली को उत्पन्न कर दिया धरा देवी ने। तो ये बोले ये काव्य शास्त्र का ये रूपक अलंकार भर नहीं है, ये तो सच्चिदानंद घन भगवान परब्रह्म पुरुषोत्तम श्याम सुंदर प्रेमाधीन प्रेम रस समुद्र, ये जो वृंदावन में इनका जो पदार्पण हुआ उस पदार्पण के व्यक्त होने वाले स्वाभाविक सत्य का परिणाम है। हमारी ये प्रकृति जनित आंखें चाहे इसे न देख सकें, हमारा भोग में रमा हुआ मन चाहे इसकी झांकी न कर सके, हम चाहे इसका अनुभव न प्राप्त कर सके, परंतु श्री कृष्ण के श्याम सुंदर के कृपा कण से जिनके नेत्र दिव्य हो गए हैं वे सचमुच इसे देख रहे हैं, आज भी देख रहे हैं। श्याम सुंदर का ये लीला राज्य नित्य है, आज भी वृंदावन है। चाहे वृंदावन के रहने वाले न देख पावे इसको, पर जिनको वृंदावन की आंखें प्राप्त हैं वे आज भी देख पाते हैं, उन नेत्रों के लिए ये सर्वथा सत्य है। तो वृंदावन में बड़ा सुंदर अभिनव गान नृत्य पुलकोद्गम ये अत्यंत आनंद के अनुभव से सारी भूमि परिपूर्ण हो गई और एक एक अणु वहां का अपने में नहीं समा रहा अपने आनंद को, और वो अपने विभिन्न अनुभवों के द्वारा उसे प्रकट कर रहा है मानो
यद्गानम विपिनस्य कोकिल कले नृत्यम लता विभ्रमे रूमणामुत्थितम अंकुरे च कवितम यो ज्ञानिना निदानादृते तन्मिथ्या कृष्ण संगति वशात तस्मिन् सभा वर्ण्यते सत्यम तर्हि सदापित दखिलम यस्माधरि दृश्यते। तमाम ये मूर्तिमान हो गया प्रकृति का सौंदर्य वहां पर, वहां की धरा का प्रत्येक अणु परमाणु अपने अनुभवों को प्रकट कर करके इस आनंद को व्यक्त करने लगा। आनंद समाया नहीं जड़ के मन में भी, जड़ों के मन पैदा हो गया। अब ये श्री कृष्ण इधर उधर दौड़ रहे हैं, कभी पैदल दौड़ते हैं, कभी वो जरा बड़ी उम्र के सखा कहते बोले भैया थक गए हो, चढ़ जा कंधे पर, हाँ बोले तुम्हारे कंधे पर चढ़ेंगे, कभी गोपों के कंधे पर चढ़ जाते हैं, कभी ऐसे ही पैदल, कभी दौड़ते, कभी नाचते, कभी खेलते, इस प्रकार से ये जा रहे हैं इधर उधर। बालकों का उल्लास, उनका चाव, ये प्रतिक्षण बढ़ता चला जा रहा है। नई नई कुंजें, नए नए स्थल और नए नए मधुरतम सुंदरतम लताओं से, पत्रों से, पुष्पों से सुशोभित ढकी हुई तमाम वो बनी हुई वहां पर मानो कमरे बने हैं, कोठियां बनी हैं। तमाम ये पत्रावलियों की निकुंज के तीन भेद माने हैं, प्रस्तर निर्मित, मणि निर्मित और पल्लव निर्मित। इनमें जो पल्लव निर्मित होती हैं निकुंज, वो सर्वश्रेष्ठ माने गए। तो ये पल्लवों के साथ, पत्रों के साथ पुष्प भी, लताएं भी, लताओं का जाल है, पुष्प खिले हुए हैं, बड़े बढ़िया बढ़िया पत्र कोमल सुगंधित सुरभित ये तमाम छाए हुए हैं। इस प्रकार की वो सुरम्य वनस्थली की ओर संकेत करते बोले देखिए ये बड़ी खेलनी थी, यहाँ बड़ी धूप पड़ेगी तो यहाँ आके बैठ जाएंगे, इसमें खेलेंगे। और फिर दूसरे सखाने का बोले तुमको कभी छिपना होगा ना लाला कन्हैया, तो ये देख यहाँ पर तो कुछ जगह दिखती नहीं चारों तरफ, और इस अंदर सुगंध भी आ रही है, हमने जा घुस के देखा अभी, तो हम तेरे लिए यहाँ पर कोमल कोमल पत्ते बिछा देंगे और फूल फूलों की कलियां बिछा देंगे तमाम कोमल कोमल देख देख करके, और तुम सो जाना, बड़ी गर्मी लगेगी तो बोले ये पत्ते ना हम बयार करेंगे। इस प्रकार सखाओं को साथ लिए हुए एक से एक सुंदर स्थानों का वो दर्शन कर रहे हैं, करा रहे हैं उनको, और मानो ऐसा मालूम होता है कि मानो यहाँ के अनुमानों से परिचित में पहले यहाँ रहे हुए हैं, दिखा रहे हैं बोले ये जगह देख भैया, ये जगह, ये अमुक जगह, यहाँ ये काम करना है। अब वहां पर महाराज वन में तो उत्सव हो गया, मृगों ने देखा कि आज आंखों को साफ कर लो, मयूरों ने स्वाभाविक खींचे तो समूह के समूह हरिण और बड़े सुंदर सुंदर मोर ये मनु आ करके, ये मनु सगुन बन गए, आज अच्छे सगुन बन गए ना, तो श्री कृष्ण चंद्र के मुख की ओर देख रहे हैं, आंख में बड़ी ललक है, इनकी भी पलकें पड़नी बंद हो गई। पास आ गए तो ये और पास आने लगे, तब तक बोले जरा खेलें, तो हिरण जो चौकड़ी मार के भागे और नाचते हुए किसी बन की किसी लता की ओर छिप गए। बोले वो कहां गए हिरण सब, बोले वो छिपे तो दौड़े उधर। हरिणों को बड़ा आनंद, कभी इस कुंज से उस कुंज में श्री कृष्ण चंद्र, कभी इस तट से उस वन की ओर, और कभी कभी यमुना के तट पर ये विचरण कर रहे हैं। और ब्रजेश्वरी जो हैं ये बार बार बुलाने भेजती हैं, आते नहीं। तो इस प्रकार ये खेलते खाते वहां पर विचरण करने लगे। इधर तमाम नावें उतर गई, तमाम गायें उतर गई, तमाम छगड़े उतर गए, तो सबको बुलाया, बुला करके नंद बाबा ने कहा सबको इनाम दो। नाव वाले बोले बाबा हमको भी इनाम मिल गया, तुमको प्यार कर दिया ना, हमको बड़ा सुख मिला, ये सब नाचते वाचते हमने देखा, ये तमाशा को देखने को पैसे तो मिलता है क्या, हम तो सब निहाल हो गए। नहीं नहीं ये इनाम नहीं, ये तो भैया ये तो नौछावर है लाला की, लाला सुखी रहेगा ना, तुम लोग सब आशीर्वाद दो, तुमको नौकरी थोड़ी देते हैं, सेवा की नौकरी होती भी नहीं, ये नौकरी नहीं देते भैया, ये मेहनताना नहीं है, ये तो लाला के नौछावर है, लाला के मंगल के लिए ले लो, लाला का मंगल होगा हम तभी तो देते, तब तो ले आओ, लाला का मंगल हो तो दे दो, खूब दाबा बाबा कोई बात नहीं। तो वो ले लेकर के सब विदा हुए वहां से। फिर
वो ही बजने लगी, धुंधुबी बजने लगी और इस नवीन ब्रजपुर नया ब्रजपुर इस वृंदावन में बनखंडों में बसने जा रहा, इस बात की सूचना भेरी के द्वारा दी गई। तमाम गोपियां उतरी, गोप उतरे और अपने अपने बसने में लगे। हरिओम तत्। श्रीमन्मगन गोपालं बृंदारण्य पुरंदरं श्रीगोविंदं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकं वंदे मुकुंदनरविंदकलायकाक्षं कुंदेन्दुशंखदशनं शिशुरोपवेशं इंद्रादिदेवगणवंदित पादपीठं वृंदावनालय वसुदेवसूनं नवजलधरवरणं चंपकोपभासिकरणं विकसितनविनाशयं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिरकूलं चारुरसावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारं वंशी विभूषितकरान् नवनीरगाभात् दीपाम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् गुर्निन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् कीर्तितुमहम् न जाने। वृंदावन में सब लोग आ पहुँचे और सब लोगों ने अपने अपने स्थान पर जाकर व्यवस्था कर ली। वो अब चंद्राकार अभी छकरों को रखा गया, उन्हीं पर अभी है मकान। पहले के कुछ हैं तो अब थके मांदे थे दिन भर के, और भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति है उसको कुछ काम करना है, इसलिए संध्या होते ही सबको नींद आने लगी और सभी लोग पुरुष स्त्री मानो थके हुए इसलिए सब के सब सो गए। और जो पहले पहर में कभी नहीं सोया करते नंद बाबा, वे भी सो गए। और वृद्धा जो ब्रज गोपिकाएं थी जो रात को जाग कर भजन किया करती, वे भी सो गई। यहाँ तक कि किसी गाड़ी पर कोई गाड़ीवान, कोई पहरेदार, चौकीदार, घर के लोग, कोई भी ऐसा नहीं रहा जो जागता हो, सबको नींद आ गई। तो भगवान की लीला शक्ति के अनुरोध से, प्रेरणा से, आदेश से ये विश्वकर्मा जी देव शिल्पी बहुत लोगों को लेकर यहाँ तक लिखते हैं, विशिष्ट शिल्प निपुण सार्धम शिल्पी त्रिकोटि भी ही, 3.5 करोड़ शिल्पियों को लेकर देव शिल्पी, देव कारीगर सब, और सारा दैवी सामान, दिव्य सारा का सारा, दिव्य पद्मरागमणि, दिव्य इंद्रनील, दिव्य समंतक, दिव्य चंद्रकांत, दिव्य सूर्यकांत, प्रभाकर, ये सब मणियों के नाम है। तो ये सब ले लेकर के सब के सब इकट्ठे हो गए। पद्मराग कराह केचित, इंद्रनील कराह वराह, केचित समंतक कराश, चंद्रकांत वरा करा तथा सूर्यकांत कराश्चान्ये, प्रभाकर करा वराह। सब इकट्ठे हो गए। सुप्ते सुभज नंदेशु नक्तम वृंदावने वने सुनिद्रते निद्रेश मातृवक्ष स्थले स्थिति निद्रतासु च गोपेशु रम्य तल्प सितासु च यूनाम सुख संयोगात्मुशक्त मानसासु च। सब लोग सो गए। अब सोने का उनका बड़ा सुंदर वर्णन है, वो लंबा हो जाएगा, कैसे सोए, क्या क्या कपड़े पहने, कि किस प्रकार से उनके शयन की व्यवस्था हुई। इतनी बात है कि वे सब के सब कपड़े उपड़े भी किसी ने नहीं बदले, गहने भी नहीं खोले, जैसे थे उसी प्रकार से सब के सब सो गए। अब ये तब तक नहीं जागेंगे जब तक इन शिल्पियों का काम पूरा नहीं हो लेगा। तो भगवान की योग माया ने योजना बनाई, तो योग माया की योजना को कौन अस्वीकार करने में समर्थ है। आंख खुलेगी तब जब सब काम हो लेगा। तो ये बजराज के लिए अब ये नवीन
लोगों की आंखों में कुछ न हो, पर ये अत्यंत नवीन नगर का निर्माण होगा प्रत्येक पुरवासी के लिए। तो ये होने लगा ब्रह्म मुहूर्त आने से पहले पहले, और इस सारा काम इन लोगों ने कर दिया। अनंत वैभवमयी वृंदावन की राजधानी चमक उठी। अब इन्होंने कुल 7 घड़ी में, ऐसा लिखते हैं, 7 घड़ी में ब्रजराज के नगर को नवीन ब्रजपुर बना दिया, अत्यंत विस्तृत। वो उसमें फिर बड़ा उसका वर्णन करते हैं कि विश्व प्रपंच में आज तक इस प्रकार की नगरी कोई बनी नहीं। द्वारका बनेगी पीछे, वो भी ऐसी नहीं। यहाँ तो एक इस प्रकार की विशेष चमत्कारमय स्थिति इन्होंने पैदा की। भगवान की योग माया ने विश्वकर्मा का जो रचना कौशल वो तो था ही, तो उसके साथ साथ योग माया ने ये किया कि प्रत्येक पदार्थ में प्रत्येक स्थान पर माधुरी भर दिया। उस स्थान के अंदर कोई चला जाए तो मन में मधुर रस जाग उठे, उस स्थान को कोई देख ले तो मन में माधुर्य का रस प्रवाहित होने लगे। तो एक शंका होती है कि भाई ये जो कहा जाता है कि ये वृंदावन को था, ये तो भगवान की संजनी शक्ति का ही रूपांतर था, तो ये ठीक है। वो कहते हैं कि ये भगवान का जो परब्रह्म पुरुषोत्तम श्री चंद्र के की जो संजनी शक्ति है वो विभु है, नित्य चिन्मय है, और ये यहाँ वृंदाकानन में भी वही मूर्त है। तथापि ये लीला का प्रकाश करने के लिए ये मानो एक रंग मंच के अंदर दूसरा रंग मंच आया। वो जो नित्य नित्य संजनी शक्ति का जो प्राकट है वो तो है ही, उसी के अंदर योग माया ने विशेष प्रकार से एक नवीन नगर की रचना कर दी। तो विश्वकर्मा को तो ये दिखा नहीं, क्योंकि उसकी आंखें तो ऐश्वर्यमयी है ना, वो तो शिल्पी है। लेकिन जहां जहां पर विश्वकर्मा ने काम किया वहां वहां पर संजनी शक्ति भगवान की आ गई, और उस सारे के सारे विश्वकर्मा के कौशल को संजनी शक्ति ने अपने द्वारा छा लिया। तो ये मानो ये अनंत चिन्मय वैभव का प्राकट्य हो गया वृंदावन में। तो कहते हैं इसका चित्रण तो कोई कभी कर नहीं सकता, किस प्रकार का ये बना, कैसे बना। केवल शाखा चंद्र की भांति, मैंने चंद्रमा कहाँ है ये कोई बता नहीं सकता, पर अमुक डाली से देखो ऊपर दो हाथ चंद्रमा, इस प्रकार जैसे चंद्रमा का संकेत कर देते हैं, इसी प्रकार ये आनंद वृंदावन चंपू में वो कहते हैं कि हम कुछ संकेत करते हैं। अब वृंदावन की अप्रतिम शोभा का, क्वचिन मरकत स्थली कनक गुण वीरुद्रमा, क्वचित कनक बीथिका मरकटस्थ बल्यादय, क्वचित कमल राग भू स्फटिक गुण वीरुद्रमा, क्वचित स्फटिक वाचिका कमल राग बल्यादय। कहते हैं कि कहीं तो मरकत मणिमय भूमि है, अकृत्रिम भूमि है, पर उस भूमि पर स्वर्णमयी लताएं गुल्म और ये पौधे सब शोभित हो रहे हैं। कहीं स्वर्ण की बीथियां, स्वर्ण की गलियां बनी, कहीं कहीं मानो स्वर्ण के बिछौने बिछे हैं, और कहीं मिट्टी विट्टी नहीं है, और वो स्वर्ण भी दिव्य है। और स्वर्ण भूमि में मणि मरकत मणिमय बंदरियों की ये पौधों की पंक्ति लगी है, पद्मराग की भूमि है, और स्फटिक निर्मित ये गुलमलता वृक्ष आदि हैं। कहीं स्फटिक की वाटिका बनी है, उसमें पद्मराग की लताएं गुलम और तरुरादि हैं। क्वचित मरकत दुर्मा कनक बल्लिभिर विल्लिता, क्वचित कनक पादपा मरकतस्य बल्ली जुषः, स्फटिक भूरवा कमल राग बल्ली भृतो द्रुमा कमल राग जा स्फटिक बल्ली भाजक क्वचित, न सोस्ति मणि भूरु हो द्विविध रत्न शाखो नय, सुचित्र मणि पल्लवा नखलु यान शाखाश्चताः, मति मणि पल्लवा द्विविध रत्न पुष्पानि
न पुष्प निकरो किसो विविध गंध बंधुर न यह। ये मरकत मणि से जो बने हुए द्रुम हैं, ये कनक लताओं से सब के सब सुशोभित हैं, और ये स्वर्ण कैसे दिव्य, ये वृक्ष श्रेणी ये मरकत मणि की बल्लरियों से ये लताओं से सुशोभित है। कहीं स्फटिकों की वृक्षावली है, कहीं पद्मराग मणि की लताएं सब प्रकाशित उद्भाषित हो रही हैं, कहीं पद्मराग के वृक्ष, और फिर कहते हैं कि ऐसा मणिमय एक भी वृक्ष नहीं जिसकी शाखाएं रत्नों के न हो। प्रत्येक मणिमय वृक्ष की शाखा जो है वो रत्नों से निर्मित है। इन शाखाओं में भी कोई ऐसी शाखा नहीं जिसमें भांति भांति के मणिमय पत्र न हो, पल्लवों के जाल से सुशोभित न हो। तो प्रत्येक वृक्ष की प्रत्येक शाखा मणिमयी ये पत्रों की राशि से सुशोभित है, और ऐसा कोई मणि पत्र नहीं जिसमें रत्नमय पुष्प न फूटे हुए हों। अब रत्नों के पुष्प हैं और वो सुकोमल हैं, सुगंधित हैं, सरस हैं। ये जितनी चीजें हैं वहां पर केवल मणियों की बनी हुई होने से ये पत्थर की भांति कड़ी हूं, केवल चमकदार हूं सो नहीं, इसमें तीनों चीजें हैं। ये मणिमय होने से ये आभामयी हैं, और ये सरस हैं, सुकोमल हैं, और इनमें से रस झरता है, ये विचित्रता। तो इस प्रकार की शोभा, इसका बड़ा लंबा छोड़ा वर्णन है आनंद वृंदावन चंपू में। तो इन मणिमय वृक्षों में फिर नई नई चीजें हैं, इनके आल बाल भी और ढंके, इनके गट्टे भी और ढंके, यहाँ की भूमि भी और ढंके, सब मणिमयी भूमि और मणिमयी सरस सुकोमल भूमि। और इसके बाद एक चीज और है विशेष, ये सच्चिन्मय है। ये वृक्षावलियां, यहाँ की लताएं, यहाँ के गुल्म, यहाँ के पत्र पुष्प फल समूह, ये सब के सब चिन्मय हैं, चेतन हैं, जल कोई नहीं यहाँ पर। तो ये समझ में न आने लायक विचित्र रचना वृंदावन में हो गई। और बहुत से तो वृक्ष ऐसे हैं कि जो पहचानने में नहीं आते, बिल्कुल नवीन। तो इस प्रकार से वो वृक्ष हैं, और सभी मानो कल्पतरु हैं, जिससे जो मांगा जाए वो देने को प्रस्तुत। और उन पर नाना प्रकार के वृक्षों पर ये मणिमय विहंगम सजीव हैं, पक्षी निर्जीव मणियों के बने हुए खिलौने नहीं, पर मणियों की भांति विविध रंग वाले, कोई किसी का नीलम का रंग है, किसी का हीरे का रंग है, किसी का पद्मराग का रंग है, इस प्रकार से विभिन्न वर्णों की मणियों के ये स्वरूप वाले पक्षी, सजीव पक्षी इन वृक्षों में विहार कर रहे हैं। तो ये सभी कल्प वृक्ष, वल्य सर्वा यत्रता कल्प वल्यो वृक्षा सर्वे कल्प वृक्षा बकारे, सारे वृक्ष कल्प वृक्ष और सारी लताएं ये कल्प लतिकाएं। तो यहाँ वृक्षों के बहुत से नाम दिए हैं उन्होंने, किस किस प्रकार के वृक्ष थे, तो उन सब की गिनती करने में बड़ा समय लगेगा। तो मतलब ये कहने का कि विचित्र वैभवों से परिपूर्ण वृंदावन हो गया रात ही रात में, और किसी को पता भी नहीं लगा कि कैसे क्या हो गया, सब के सब गोप सोए हुए हैं। अब बोले ये और भी किया उन्होंने, प्राची बनाई ना, इसके नगर बन गया बड़ा भारी। तो मसार प्राचीरम मरकत गृहम हेम पटलम प्रबाल स्तंभाली स्फटिक वैदूर्य वर्धी महानीलेन्द्राट्टम विमल कुरु बिंदुपल महापतिहारम नाना कृतिमाना बलिपुरम, सभी सभी अत्यंत शोभामय वो हरित मणि पन्ने की तो प्राचीर बनी, और घर सारे मरकत मणि के, गृहों के छत स्वर्णमयी, सारे खंभे प्रबाल के, घरों के ऊपर का चूड़ा वो वैदूर्य का, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं नीलकांत मणि की, और बड़े बड़े दरवाजे वो सब सब कुरुविंद मणि के। इस प्रकार से वो तमाम नगर
अत्यंत सुशोभित हो गया भगवान का नगर। तो ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि ये लक्ष्मी जी शोभा और श्री, ये जो भगवान की विभूतियां हैं, इनको आज अवसर मिला सेवा करने का। तो नवीन वृंदावन का निर्माण हुआ तो नवीन वृंदावन में इन सबों ने जितना जितना जिस जिस के पास वैभव था, जितनी जितनी जिस जिस के पास ऐश्वर्य शक्ति, शोभा शक्ति, श्री शक्ति थी, वो सब के सब यहाँ पर ला करके उन्होंने रख दी। और भगवान का की जो चिन्मय संधिनी शक्ति, उसने सबको चिन्मय बना दिया। और भगवान का ये सरस सुधामय प्रेम समुद्र, इसने सबको प्रेममय सरस बना दिया। इस प्रकार से ये सारा का सारा यहाँ पर अभिनव विलक्षण ये निर्माण हो गया। अब यहाँ कहते हैं कि भाई यहाँ के जो चंद्र सूर्य हैं वो भी कुछ विलक्षण हो गए। यहाँ भी चंद्रमा पीयूष वर्षीय अमृत वर्षाता है, पर उस चंद्रमा से ये भिन्न है। यहाँ के नक्षत्र ग्रह तारा गण जो हैं, ये भी सब दिव्य हो गए। तो ये सुतेजसा तू सुभास्व सुपीयूष किरणम सुमंगलम सुबुधम सुजीवम सुकविगम्यम सुभानवम सुकेतु सुतम सुतारकम, सबके सब ग्रहों का वर्णन कर दिया। ये सबके सब विशेष विशेष रूप से यहाँ पर उदित हो गए। अब ये इस प्रकार भगवान की ब्रजभूमि, ये लीला भूमि का निर्माण हो गया। अब ये और जितना भी बृहद वन का रस था, वो सब का सब यहाँ आकर के इनमें समा गया। जितनी भी वहां की वैभव की वस्तुएं थी, वो सब यहाँ आ गई और यहाँ वापस अनंत लीला का प्रकाश होने लगा। अब ये प्रातः काल हुआ तब ये वहाँ सारा काम जब शिल्पियों में ने पूरा कर दिया, तो वो अब उन्होंने प्रणाम किया, फिर ब्रज भूमि को प्रणाम किया, वृंदावन को। और ये सौभाग्य माना कि आज हमारा विश्वकर्मापन सफल हुआ। आज तक तो हम देवताओं की सेवा में रहे, तो आज साक्षात परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण की सेवा, और सो भी मधुर कृष्ण की सेवा का सुअवसर प्राप्त हुआ। तो ये सब के सब विनयावनत होकर के ये शिविर द्वार पर फिर गए नंदरानी के। वहां जाकर के इन्होंने विश्वकर्मा आदि ने भूमि में प्रणाम किया, वहां की चरण धूल को लिया। ये लिखते हैं कि ये चरण धूल की महिमा बड़ी भारी, जो भगवान के निज जन हैं उनकी चरण धूली सहज में नहीं मिलती है। मिलती है तो वो धूल के रूप में भले मिल जाए, वो भक्त चरण धूलि के रूप में नहीं मिलती। उसमें भक्त भाव की आवश्यकता है, और भक्त भाव जहाँ पर उदय हो जाता है, वहीं पर वो चरण धूलि विशेष काम करती है। तो ये इनके मन में भक्त का भाव पैदा हो गया। इन्होंने सोचा कि कितने धन्य है नंद बाबा और यशोदा मैया, ये ब्रज के लोग जिनके गोद में और जिनके साथ स्वयं भगवान बालक बने हुए खेल रहे हैं। इनको कह दिया था योग माया ने कान में विश्वकर्मा के कि तुम जहाँ जा रहे हो वो कोई मामूली काम नहीं है। बता दिया कि ये जो अनंत विश्व पालक हैं, सारे अनंत विश्व ब्रह्मांडों के अधिपति भगवान, वे वहाँ पर छोटे से बालक बनकर खेल रहे हैं। तो पूछा किनके बालक का? आनंद के बालक, यशोदा के बालक और उन सखाओं के मित्र। तो इनके मन में बड़ी भक्ति पैदा हो गई। इन्होंने आते समय भी किया और जाते समय इन्होंने वो शिविर पर जाकर नंद बाबा के और चरणों की धूल में लौटने लगे। विश्वकर्मा लौटे कि बस ये चरणों की धूल प्राप्त हो जाए, तो लौट करके प्रणाम किया। प्रणाम कर करके वहां से गए और ये सारे मंदिरों पर नाम लिख गए कौन किसका है। यान येषा मंदिराणी तन्नामानि लिलेखतः मुदा युक्तो विश्वकर्मा शिष्यक्षगणितः निद्रेशम निद्रितम नत्वा प्रेयो स्वालयम मुने। सबके नाम लिख लिखा करके ये प्रणाम करके और सबको नींद में ही छोड़कर ये अपने चले गए। इधर अब प्रेरणा हुई मुर्गे के मन में प्रेरणा की, तो मुर्गा बोला
योग माया की प्रेरणा से ही बोला, नहीं तो यहाँ पर मुर्गे भी सारे दिव्य ही तो हैं। तो मुर्गा बोला, बड़ भागी विहंगम, कहा वो मुर्गा भी कितना बड़ भागी जो सेवा में सन्नद्ध है। ये जगाता है ना, मुर्गा बोलकर जगाता है, तो मुर्गे को ये सेवा प्राप्त हुई, इसका बड़ा सौभाग्य। तो मुर्गा बड़ भागी, मुर्गा बोल उठा, बस जहाँ युगमाया ने तो अपना प्रभाव हटा दिया था ना, जब तक वो विश्वकर्मा आदि वहाँ शिल्पी रहे तब तक तो योग माया ने सबको सुला रखा था। अब योग माया ने अपना प्रभाव हटाया कि मुर्गा बोला, और मुर्गा बोलते ये सब के सब जाग गए। अब इनके नक्शे में तो वो छकड़ों की बनी हुई नगरी थी, वो जो की जो थी ही। अब इन्होंने देखा नंद बाबा ने कि ये क्या है, ये हमारे छकड़ों के पीछे और आगे और आसपास ये कितने महल खड़े हो गए और क्या क्या हो गया, और सब पर नाम लिखे हैं, ये नंद बाबा का महल है, ये उपनंद का महल है, ये उसका महल है, सब गोपों के नाम अलग अलग, इतने भवन बन गए। तो ये देखा ये क्या हो गया, तो ब्रजेश्वर के मन में कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, ये तो गर्ग मुनि कह गए थे ना कि इसमें बच्चे में नारायण के समान गुण है। तो समान गुण का ये अर्थ है कि नारायण की उपासना जो होती रही है वंश परंपरा से, तो नारायण ने कृपा करके ये बच्चा दिया, और कृपा करके अपने गुण इसमें दिए, उन्हीं ने कृपा करके ये सब बसा दिया, ये नारायण की कृपा से ये सब हो गया, और कोई बात नहीं। मन में उनके कोई बात खास आई नहीं, बोलिए नारायण की माया से सब कुछ हो जाता है, वो जब चाहे सो कर दे, तो नारायण की कृपा से ये सब बन गया है, कोई बात नहीं। ब्रजेश्वर के आंखों में नारायण के प्रति भक्ति के आंसू आ गए कि नारायण की बड़ी कृपा, देखो ना आगे से आगे नारायण सब काम किए रखते हैं, और हमने तो नारायण को कहा भी नहीं था कि इतना नगर बना दो, पर वो नारायण तो मानते नहीं ना, उन्होंने सब बना दिया। तो अब बोलिए सबको स्थान दो, तो सबको साथ लिया और सब नाम पढ़ पढ़ के भ्रामम भ्रामम तन्नगरम, दर्शम दर्शम गृहम गृहम, पाठम पाठम च नामानि सर्वेभ्यो निलयम ददौ। गोपों का वो कोलाहल सब को सब नंद बाबा के साथ हो रहे, नंद बाबा ये नए नगर में सबको लिए घूमने लगे, और नामों को पढ़ पढ़ के बोले ये तुम्हारा घर भैया, ये तुम्हारा घर, तुम इसमें आओ, तुम इसमें आओ, तुम इसमें आओ, इस प्रकार से सबको घरों में घर बसाए दिया। तो अब ये कन्हैया जागे, ये जागे और ये चिकित्सक देखने लगे, बोले मैया मैं जाता हूँ। अरे बोले लाल जरा सा अभी तो रात है, अभी तो दिन उगा ही नहीं पूरा, अभी जरा सूरज जरा चढ़ने दे। तो बोले ये बाबा बाबा सब देखो जा रहे हैं, अनार हल्ला मचा रही, ये देखो ना बाहर क्या चमक रहा है, बड़े बड़े मकान दिख रहे हैं, तो ये सब क्या बन गया है, ये कोई चंद्रमा की रोशनी फैल रही है क्या है। तो मैया बोली बेटा जरा ठहर जा, थोड़ा सा दूध वूध पी ले, फिर तुझे साथ लेके मैं चलूंगी और अपने सब साथ देखेंगे। दाऊ जी भी जाग गए, दाऊ जी बोले मैया तू तो देर लगाती है, हमको तो जल्दी जाके देखना है। माने नहीं, तो मैया ने दोनों को उठाया गोदी में, बेचारी बूढ़ी मैया दोनों को उठा करके और दरवाजे पर, अभी तक ये तो छकड़ों में ही है ना, ये तो घरों में भी गए नहीं, वहीं सोए हुए थे उन्हीं महलों में। तो ये बाहर आए, बाहर आकर के इनको दिखाया सब, यूं देखे यूं देखे, बोले ये तो बड़ा सुंदर मैया, ये तो ये महल अपना है। बोले हाँ ये तो तुम्हारा ही है बेटा। तो बड़े प्रसन्न हो गए, तो बोले मैया दूध तो पियेंगे, जरा सा ठहर जाओ। तो बच्चे इकट्ठे हो गए सुबल सुदाम में, सबके सब को सब को ले करके और ये घूमने जाने लगे। तो मैया बड़ी जगह ठहर जाओ, अब मैया माने नहीं, तो रोहिणी मैया गई अंदर से दो खिलौने लेकर के आए, बड़े बढ़िया खिलौने ला करके उनको दिए कि देखो ये खिलौने भी नए हैं और ये भी चलने वाले हैं, चलने वाले खिलौने रहे, ये यांत्रिक मांत्रिक नहीं, मांत्रिक सब भगवान के खिलौने रहे, वो दिव्य, ये तो कल से चलते हैं, वो चेतनता से चलते थे अपने आप, ये खिलौने बन के देवता आ गए, खिलौने बन के देवता आ गए कि चलो उनके हाथ में खेलेंगे, मौका लगेगा ना।
ऋषि मुनि खिलौने बन के जड़ खिलौने बन के आ गए। बोले वो हाथ मिलेंगे, हाथ मिलेंगे, ऊंचा नीचा करेंगे, हमको खिलाएंगे हमको, तो ये देवता के रूप से तो हम कर नहीं सकेंगे। देवता के रूप में तो कहीं हमको देख करके, वहीं उनको देख करके डर से गए, एक बार पैर वैर नहीं छूने दिया, वो नलकूबर मणिगिरी को नहीं छूने दिया, पर फिर छुआ उन्होंने बिचारों ने, लेकिन सब बच्चे तो डर ही गए। बोले देवता लोग अगर देवता के रूप में आ जाएंगे वो तेज पुंज, तो ये बच्चे डर जाएंगे। श्याम सुंदर तो पहचान मिले पर वो डर जाएंगे तो इनके खेल में भंग हो जाएगा, इसलिए देवता असली रूप नहीं आते। देवता आते हैं सब अलग अलग जड़ रूप धर करके, कोई कुछ बनता है, पर कोई चेतर भी बनते हैं, तो कोई तोता मैना बनते हैं, कोई कौवा ही बन जाते हैं जूठ ले जाने के लिए। इस प्रकार तो खिलौने जब ला के दिए तब ये दोनों अंदर गए, ले गए तो अब मैया ने दोनों का श्रृंगार किया, सजाया दोनों को, और फिर मैया ने दोनों को कलेवा करवाया। इनको तो आज कलेवे में रस नहीं है, इनको तो आज नगर देखना है। उधर जल्दी लगी हुई, दोनों भाई अब निकले और फिर सब को इकट्ठा कर लिया, तो बोले भैया क्या करें, आज की योजना क्या? बोले आज तो गोवर्धन के पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी को छूना चलकर बन गई योजना। तो पहले तो सब यमुना तट पर आए, वहां से योजना बनी, तो वृंदावन की शोभा देखते हुए, गिरिराज की शोभा देखते हुए राम श्याम पहुंच गए। अब देखते देखते बोले भैया हमारा तो मन भरता ही नहीं। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षा आसीत उत्तमा प्रीति राम माधवयोर नृप। भागवत कार्क ने कहा कि ये नवीन नगर इतना आनंद वर्धन हो गया कि राठौड़ा किसने बना दिया, ये तो बड़ा सुंदर बन गया, तो देखते देखते थके नहीं, और थक जाए तो भला लीला की पुष्टि कैसे, मानो इनके लिए नई चीज बन गई। कभी जिसने देखा नहीं हो, कभी किसी ने कोई नई चीज देखी नहीं हो, देखने को मिल जाए तो वो जैसे चमत्कृत तो हो जाए, चकित तो हो जाए कि ये क्या है। तो ये मानो अभी तक वहां रह करके आए हैं ना, वहां भी सब वैभव तो आ गया था गोकुल में, पर ये नवीन निर्माण नहीं हुआ था। तो ये तो अब ये दिखाते हैं, हम छोटे से बच्चे ही तो हैं, कहीं कहीं कुछ देखा तो नहीं, आज ये नई नई चीज देखने को मिली। तो ये सब के सब लीला रसमत और अपनी रचना है, सब रचना इन्हीं की, कौन दूसरा रचने वाला है। अपनी रचना में आप भूल गए। ये कहते हैं कि भाई ये राधा कहाँ से आई, तो ऐसा कहते हैं कि एक दिन श्री कृष्ण के मन में आई कि भाई हमारा रूप को हमें दिखता नहीं, और दर्पण वर्पण में कभी देख लेते हैं तो प्रेम तो उपजता नहीं, तो हमारे रूप को देख करके और ठीक ठीक कोई समझे उसके मन में प्रेम उत्पन्न हो, ऐसा अनुभव हम करें तो कैसे करें। तो राधा बन गए, अपने सौंदर्य का अनुभव करके रसमय जीवन बनाने के लिए राधा बन गए। ये राधा तत्व है, श्री कृष्ण ही रसमय दर्शन के लिए, रस आस्वादन के लिए राधा बन गए। तो इसी प्रकार यहाँ ये तमाम जितना ये निर्माण हुआ महलों का और नगर का, वृक्षों का, पौधों का, पत्तों का, पुष्पों का, पल्लवों का, विहंगमों का, पक्षियों का, ये सब हुआ इनसे ही। अपनी शोभा देख करके आप चकित हो गए ये, और बड़े भारी उलझ गए देख देख करके। बोले मैया ये तो बड़ा, मैया हुआ के बोले मैया आज तो ये बड़ा सुंदर देखा, मैया से तो कभी देखा ही नहीं हमने, ऐसी चीज तो कभी देखी नहीं, सुनी नहीं मैया हमें, तुमने तो कभी बताया नहीं कि जगत में ऐसी चीज भी होती है, और आज तो हमने देख लिया। मनि न जट सब भूमि गुल्म तरु लता सुछूमत धवल धौर हर उच्च स्वच्छ कलसा नभ चूमत झंझरिन झलक अपार द्वार पट मनिन पटल कर फटिक चटक चौहटन चारु चक चौंध अटन पर धनि मान विपुल वृंदा विपिन अर्ध चंद्र सम पुरु सचिव मन रमिव राम घन श्याम तिन इच्छा माया रच। इस प्रकार से ये दोनों रम गए उसमें वृंदावन में। अब एक दिन की बात है, अब अगला, अब इनका वन का शुरू होता है, तो वन के पहले ही कोई पीछे मानते हैं, इनका वंशी वादन शुरू हो गया। तो इन्होंने सुना एक दिन इनको कहीं वंशी की ध्वनि सुनाई दी। तो वंशी की ध्वनि सुनाई कैसे दी, क्या दी? तो ऐसा कहते हैं कि ये सो रहे थे,
तो सोते हुए ही इनके ही मुख से एक राग निकली, इनके मुख से एक रागिनी निकली तो ये जाग गए और मैया से बोले, अभी जो गा रहा था सुना। मैया बोली, अरे लाला तू ही तो गा रहा था। बोले मैं तो सोया था, मैं कहाँ गा रहा था। तो बोली वो बाजा था। बाजा? बोले क्या बाजा था? तो मैया ने कहा, अरे बंसरी थी, बंसरी। तो बोले मैया बंसरी मंगा दे। तो मैया ने बंसरी मंगा दी, बनवा दी एक। तो ये सनातन गोस्वामी कहते हैं कि ये उन्होंने बंसरी की शिक्षा कब किससे ली, ये तो इनके इस जीवन में तो बात आती नहीं। नाचना मार्ग तो पीछे सीखेंगे राजा जी से, पर इस जीवन में तो इन्होंने बंसी कभी किसी से सीखी नहीं। लेकिन अब बंसी जब इनके पास आ गई तो लगे बजाने। अब नन्हे से बच्चे इन्होंने शुरू कर दिया बजाना। अब इनकी बंसी जब बजने लगी तो बंसी में अब इनका सुर आ गया। किसी गायक का सुर नहीं है ये जहां से साय माधुर्य की सृष्टि होती है, जो माधुर्य का अनंत समुद्र है, उस अनंत समुद्र में से माधुर्य निकला इनकी वाणी में होकर, इनके सुरों में होकर, और वो सुर भर गया बंसी में। तो महाराज सहसा लिखते हैं कि मानो अमृत का प्रवाह, अमृत की बाढ़ आ गई और सारे ब्रजवासी उसमें निमग्न हो गए। सबको सुनाया, अरे कहां बचती है, सबकी चेतना विलुप्त हो गई, निर्णय नहीं कर पाए कि क्या बज रहा है। तो कुछ गोप सुंदरियों ने देखा, वो देखती रहती थी, उन्होंने जरूर देखा कि ये पीले पीले फूलों की एक झुरमुट है, उस झुरमुट में कुछ है, ये बालक जो हैं, ये आनंद के मारे नाच रहे हैं। तो इनका नाचना देख करके उन्होंने कान लगाया तो आवाज उधर से आती दिखाई दी। तब ये गोपियां धीरे से गई और जा करके यूं झाका देखा तो मालूम हुआ कि ये तो जशोदा के नीलमणि ही ये अपने लाल लाल होठों पर, अधरों पर, और ये हरे बांस की बंसी रखे बजा रही। अब इनका रहस्य मालूम हो गया कि तो यही बजाता है। पहले चुपके चुपके बजाया करते और झुरमटों में छिप कर बजाया करते, फिर सखाओं ने जाना तो उनके सामने खुल गए। अब सखाओं ने जान लिया कि ये सखियों ने, गोपियों ने जान लिया कि तो इनकी बंसी है। तो वे खड़ी खड़ी देखती रह गई, बंसी की ध्वनि में देखती रह गई। अब कहते हैं भाई, ये बंसी का महात्म्य, कहते हैं बंसी का महात्म्य, ये श्री कृष्ण की, श्याम सुंदर की बंसी का महात्म्य। पहले पहले उसके बाद तो फिर ये बंसी रिजर्व हो गई। फिर तो जब बजी तब तो विश्वव्यापिनी हुई, और उसके बाद तो इस बंसी पर अधिकार हो गया केवल ब्रजवासियों का ही। यहाँ तक हो गया कि बंसी ले जाने नहीं दी इनको मथुरा में। बंसी और मयूर चंदेका, ये दो चीज यही रही, ये नहीं ले गए साथ। मोर मुकुट और बंसी, ये दो पहचान है ब्रज के ठाकुर की। ये बच्चे पहचान लेते हैं, बोले ये राम है और ये कृष्ण, कैसे बोले इसके हाथ में धनुष, इसके हाथ में बंसी और मोर, ये मयूर चंद्रिका है। तो ये बंसी की ध्वनि पहले तो विश्वव्यापिनी हुई, विश्वव्यापिनी के अगले ब्रह्मांड व्यापिनी। तो ये ऊपर उठी, ऊर्ध्व लोकों में गई, नीचे तमाम पाताल में गई। सारे जो बादलों के समूह थे ये अवरुद्ध हो गए और स्वर्ग में गा रहा था तुम्बुरू, तुम्बुरू गा रहा था गंधर्व। तो उसकी दशा विचित्र हो गई, वो देखने लगा आश्चर्य में कि ये कहां से ध्वनि आ रही है बाबा ऐसी। उन्मत्त नाद, जो नाद उन्मत्त कर दे, जिसके कान में प्रवेश करते ही शरीर में पागलपन जाग जाए, इस प्रकार का। तो ये तुम्बुरु महाराज गा रहे थे, गाते गाते ये मूर्छित होके गिर पड़े। भाई ये तो गायक थे, गाना वाना जानते, बाजा जानते, इस कला के निपुण। बोले नहीं, सनक सनंदन बैठे ध्यानस्थ थे, समाधि लगाए बैठे थे सनक सनंदन आदि ऋषि। ये मुरली की ध्वनि पहुंची उनके कानों में गई कि उनकी समाधि टूट गई, इनकी समाधि लग गई, उनकी टूट गई, और वो विक्षिप्त से हुए इस मधुर ध्वनि में इधर उधर वो डूबने उतराने लगे। ब्रह्मा जी कुछ वेदों का अर्थ कर रहे थे, जरा संकोच आ गया, संकोच आ गया तो निकाल के जरा छिपाने लगे। लोगों ने कहा, नहीं करिए, बजा बजा तो बड़ा मजा आता है, बजा। इतने में ब्रजरानी भी आ गई। ब्रजरानी भी कैसे आई नंदरानी, कि ये अपना काम में लगी थी,
और इसके कानों में जब ये मोहन ध्वनि गई, इसके मन में भी उत्कंठा जाग उठी। उत्कंठा के आवेग में भरकर चली आई। मैया आ गई तब, अब इनको छिपने का अवसर मिल गया। कहाँ छिपते, लाज आ गई इनको। लाज आ गई कि देखो इतने लोग इकट्ठे हो गए, हम तो बजा रहे हैं, तो बच्चा खेल रहा और खेलते खेलते लोग इकट्ठे हो जाए तो बच्चे जरा सहम जाते हैं। तो अपने बच्चों के साथ ही अपनी बंसी बजा रहे थे मौज से। इनको क्या पता कि ये बंसी में कोई जादू हो गया। तो अब कहाँ छिपे, कहाँ छिपावे। तो मैया जब आ गई तो दौड़ करके और मैया के गले से लग गए जाकर, मैया के आंचल में अपने मुंह को छिपा लिया। बजरानी के नेत्रों में प्रेम के आंसू भर आए। बस अब आज से एक नया क्रम हो गया, बंसी का नया क्रम। अब जो मिलता कदा, एक बार कन्हैया बंसी सुना दे, एक बार सुना दे। और खास करके नंद बाबा और यशोदा, इनको सुनानी पड़ती रोज, औरों के सामने तो ये नखरे भी करें। अब सब और ब्रज सुंदरियां इकट्ठी हो जाती, सब के सब देवियां, ब्रज गोपियां, और कहती, अरे सुना दे जरा सा। हे कृष्ण मात्र कुछ चूचुक चूषण ये फी नालम यदे तद धरोष्ट कुटम तब आसीत।